नमस्कार दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि कजाकिस्तान की गवर्नमेंट ने रिजाइन कर दिया है ड्यू टू हाइक इन फ्यूल प्राइस। साथ ही आप सभी को बता दूं कि कजाकिस्तान में स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। यहां पर लगातार दंगे हो रहे हैं, बहुत से ग्रुप बन चुके हैं, कुछ आपस में लड़ रहे हैं, कुछ सरकार से। आपको यहाँ बता दूं कि ग्रह युद्ध की यह देश बहुत ही ज्यादा करीब खड़ा हुआ है। यह भी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले कुछ हफ्तों में या कुछ समय में कजाकिस्तान एज अ कंट्री एग्जिस्ट ना करे। सरकार ने कुछ स्ट्रिक्ट फैसले लिए हैं जिनसे वायलेंस कम हो सके। पहले तो यहां के इंटरनेट को कट कर दिया गया है पूरे देश में, ताकि जो लोग अराजकता फैला रहे हैं वे आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेट ना कर पाए। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अंदर कजाकिस्तान ने रशियन आर्मी को इन्वाइट किया है। उसके अलावा जो CSTAO कंट्री जो कि 6 कंट्री का अलायंस है उसको भी इन्वाइट किया गया है। रसिया अपनी मिलिट्री कजाकिस्तान भेज रहा है, उम्मीद है कि रसिया इस देश को बचा ले, नहीं तो जिस तरीके से स्पेशली जो वेस्टर्न पार्ट है कजाकिस्तान का वायलेंस ज्यादा है, पॉसिबिलिटी है कि एक बार को यहाँ पर कुछ लोग एक अलग कंट्री को क्लेम भी कर सकते हैं। साथ ही अमेरिका का आरोप है कि ये सब कजाकिस्तान में जो हो रहा है वो रसिया का करा धरा है, क्योंकि इस समय रसिया 1991 में USSR से अलग हुए 15 देशों को फिर से मिलाने का प्लान कर रहा है। अब इंडिया के लिए ये सब खराब न्यूज क्यों है? पहली बात तो कजाकिस्तान अपने आप में एक बहुत ही बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, जो कि ये लोगों को एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसी कंट्री में वायलेंस है जो कच्चे तेल के दाम है उस पर इफेक्ट पड़ता है। न केवल इंडिया बल्कि चाइना, पाकिस्तान, आसपास के बहुत सारे देश, सभी कंट्री पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। मगर इंडिया ने सोचा था कि रिपब्लिक डे परेड पर पांचों सेंट्रल एशियाई कंट्रीज के जो लीडर हैं इनको बुलाएंगे पहली बार। इससे पूरे वर्ल्ड में इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता, लेकिन लग रहा है कि सेंट्रल एशियन कंट्री को रिपब्लिक डे में बुलाने का जो प्लान था उसमें कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा।